हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक ही टेक न्यू चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक्सोस लॉन्चर का लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में आपको इन नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल में। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आपको एक्सो लॉन्चर में कौन कौन से नए फीचर देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक्सो लॉन्चर को लेटेस्ट वर्जन एक्सोस लॉन्चर 8.5 में अपडेट कर देते हैं, जो कि आपका एंड्रॉयड 12 एंड एक्सोस 10 पर बेस्ड है। दोस्तों यहाँ पर हमने कर लिया एक्सो लॉन्चर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट, और यहाँ पर आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सो लॉन्चर के फर्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको जीरो स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आप जीरो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ऐप रिकमेंडेशन और मैच जैसी अपडेट्स देखने को मिल जाती है। साथ में ऐप यूजेस, साथ में डेली ग्रीटिंग जैसे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जीरो स्क्रीन में से स्मार्ट स्कैन फीचर्स को रिमूव कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था हर लॉन्चर की वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो और हाईएस्ट लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिल जाता है न्यू थीम्स और वॉलपेपर। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अपडेट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से एक है आपका न्यू थीम्स। यहाँ पर आपकी थीम्स चेंज हो जाती है, और साथ में आपको न्यू वॉलपेपर का भी अपडेट देखने को मिल जाता है। चल दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको एक्सीम एंड हायो स्क्रीन स्टाइल डेट में देखने को मिल जाती है। दोस्तों जब आप जाते हैं अदर सेटिंग्स में, और वहां पर आपको एक न्यू फीचर देखने को मिलता है, जो कि आपका होम स्क्रीन स्टाइल है, जिसको अगर आप क्लासिक में सेट करेंगे तो आपको होम स्क्रीन के फोल्डर स्मॉल साइज में शो होंगे। दोस्तों आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप इसे लार्ज फोल्डर में भी चेंज कर सकते हो, जो कि आपको एक्सोस 10 की तरह एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों आपको इसके साथ बहुत सारे नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पहले भी देखने को मिल जाते थे। और दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो कि आपका स्क्रॉलिंग ट्रैक्शन A to Z। दोस्तों अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेट करते हैं तो आपका ऑल ऐप्स का लेआउट चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप ऑल ऐप्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इसे सेट करते हो वर्टिकली, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओल्ड लेआउट देखने को मिल जाता है। चल दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपका गेस्चर एंड आइकन कैचेस अपडेट। दोस्तों आइकन कैचेस को आप हाइड ऐप्स भी बोल सकते, क्योंकि ये आपका ऐप को हाइड करने का काम करता है। दोस्तों इस फीचर का यूज़ करके आप अपने सिस्टम ऐप या थर्ड पार्टी ऐप दोनों को हाइड कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, जो कि इनफिनिक्स की तरह से बहुत अमेजिंग फीचर्स है। इस फीचर की हेल्प से दोस्तों आप किसी भी ऐप को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, ताकि आपका ऐप प्रोटेक्ट हो सके, ताकि आपकी परमिशन के अलावा इसे कोई भी ओपन ना कर सके। दोस्तों चलो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो कि आपको नंबर बैज एंड अदर सेटिंग अपडेट। दोस्तों इस सेटिंग को अपडेट के बाद ऑटोमाइज कर दिए गए हैं। दोस्तों अब आपको ज़्यादातर डिवाइस में नंबर बैज देखने को मिल जाती है, जो कि आपको होम स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको रिसेंट ऐप्स फोल्डर के रूम में होम स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों आपको अदर सेटिंग में और भी बहुत सारे नए फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जीरो स्क्रीन, पिन आइकन टू स्क्रीन, ब्लर, फोल्डर स्क्रॉलिंग जैसे और भी बहुत सारे नए फीचर देखने को मिल जाते हैं। चल दोस्तों बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि आपकी ब्लर ऑप्शन, जो कि आपको अदर सेटिंग में देखने को मिल जाती है। दोस्तों उसको इनफिनिक्स ने रिमूव कर दिया था, बट इनफिनिक्स ने फिर इस अपडेट में इसको वापस लिया है, जो कि इनफिनिक्स की तरफ से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑन करने से आपका बैकग्राउंड बहुत यूनिक लुक देता है। चल दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपका रिसेंट ऐप होल्डर। दोस्तों आप इसे अब होम स्क्रीन पर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों आप सेटिंग्स में देख सकते हो, यहाँ पर आपको सर्च सेटिंग देखने को मिल जाती है। साथ में आइकन कैचेस, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। साथ में यहाँ पर आपको अनहाइड रिसेंट ऐप देखने को मिल जाता है, जो कि टेक्नोलॉजी न्यू फीचर है। चलिए दोस्तों आपको मैं इस फीचर्स के बारे में और बहुत कुछ बताता हूँ। दोस्तों जब आप रिसेंट ऐप से ऐप्स को रिमूव कर देते हो, जैसे दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से मैं बहुत सारे ऐप्स को रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ से जो ऐप रिमूव हो गए हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा अनहाइड रिसेंट ऐप्स पर। और यहाँ पर आप जिन ऐप्स को मैंने रिसेंट ऐप से रिमूव किया था, वो यहाँ पर जाके स्टोर हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ से आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। दोस्तों आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि अनहाइड रिसेंट ऐप्स क्या होता है, और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आपके डिवाइस में इसका क्या यूज़ है।
तो साथ में यहाँ पर आपको इसके अलावा बहुत सारे नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। जैसे दोस्तों आप होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपडेट के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यू चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको न्यू गेस्चर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप किसी ऐप को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट लेआउट देखने को मिल जाता है और साथ में बहुत सारे देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको इनफिक्स लॉन्चर 8.0 में और भी बहुत सारे नए फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में दोस्तों मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक्सोस लॉन्चर को कैसे इंस्टॉल या अपडेट कर सकते हो अपने इनफिनिक्स या टेक्नो मोबाइल में। एक्सोस लॉन्चर को अपडेट करने के बाद दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि आपको इसमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिल जाते हैं। चल दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे अपडेट कर सकते हो। दोस्तों आपको चल जाना पड़ेगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में और वहां पर आपको एक लिंक शो होगा और उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद उसको आपको वहां से डाउनलोड कर देना होगा और दोस्तों वहां पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में और दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर से जेट अचीवर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उस फाइल को करना पड़ेगा आपको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक्सोस 8.5 पासवर्ड डाल देना होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना होगा और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा